हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पर समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। देखिए ये वाला जो संख्या है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो इसका गुणांक है, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ नहीं रहेगा तो मतलब एक है इसके आगे में, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाएगा, तो इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। तो 10 को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा 10 का। यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 और 5 हमें ज्ञात हुआ, 2 और 5। अब देखिए आपको इस दोनों को गुना करके कितना लाना है, 10 लाना है, ठीक है। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 पूर जाएगा, और इस दोनों को जोड़ के ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 5 और 2 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बीच वाला संख्या आ चुका है, तो आप इसे किस तरीके से यहाँ पर बैठाना है, तो आइए यहाँ पर सीखिए। देखिए पहले एक्स स्क्वायर आपको उतार लेना है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दीजिएगा, यहाँ पर 2 और 5 दो संख्या है, तो यहाँ पर 2x लिखिएगा, ठीक है। फिर प्लस दीजिएगा, फिर 5 5x, फिर प्लस, फिर 10। तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा, इस दोनों को जोड़ के ये 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ विभाजित कर दिए, दो भागों में बांट दिए हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको हम लोग बांट दिए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं आप लोग आसानी से समझिए यहाँ पर, ठीक है। साइड में आप लोग समझिए पहले, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होगा एक्स गुना एक्स, ठीक है। यहाँ पर 2x हो गया, उसके बाद यहाँ है 2x, 2x का अर्थ हो गया 2 गुना एक्स। तो अब इस दोनों में से कौन संख्या है ऐसी जो दोनों में है, तो एक्स, एक एक्स इसमें भी है, एक इसमें है, ये भी है, ठीक है। तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को हमने कॉमन लिया, इसमें क्या बच गया, एक्स बच चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस, इसमें 2 बच चुका है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे प्लस लेते हैं, फिर अब इस दोनों में से कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 5x इसका क्या हो जाएगा, 5 गुना एक्स, उसके बाद है 10। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो इसमें से कौन सा ऐसी संख्या जो दोनों में आ रहा है, तो 5 जो है वह दोनों में आ रहा है, तो हम लोग 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। जब हम इसमें से 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पर एक्स बच चुका है, प्लस का इसमें क्या बच चुका है, 2 बच चुका है, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसको लिखना किस तरीके से है, तो ये जो बाहर का संख्या है एक्स, इसको इसके साथ लिखेंगे एक्स प्लस 5, और ये दूसरा है जो अंदर का है दोनों, उसको लिखेंगे एक तरफ एक्स प्लस 2। और आप ये देख लीजिएगा, अगर आपके ये अंदर वाला एक्स प्लस टू दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेम रहेगा तब आपका सही है, अगर सेम नहीं है तो आप समझ जाइएगा आपका गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो है फाइनली आंसर आ चुका है। चलिए हम एक सवाल को और देखते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए इसे कैसे हल करेंगे आप लोग समझिए। यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 20 है। तो ये दोनों को हम लोग पहले गुना कर लेंगे, तो देखिए इस दोनों को गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे 10, फिर 2 से 5 आ जाएगा, कितना आया, 2 2 5। अब देखिए इस दोनों संख्या को इस तरीके से लिखना है कि गुना करके 20 भी आ जाए और जोड़ के 9 भी आ जाए। तो इसको इससे गुना कर लेंगे तो 4 और ये हमारा 5, तो दो संख्या आ चुका है। देखिए 5 चौके 20 होता है, ठीक है। गुना करेंगे करने पर हमें 20 प्राप्त होता है, ठीक है। और इसे हम जोड़ते हैं 4 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसे बैठाते हैं सवाल में। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको उतार लेना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर यहाँ पर लीजिए 4x, फिर प्लस, फिर 5 है तो 5 ले लीजिए, 5x प्लस ये 20 यहाँ पर उतार दीजिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस दोनों संख्या में से और इस दोनों संख्या में से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, पहले सवाल में आप लोग सीखे हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से। एक्स स्क्वायर का क्या लिख लेंगे हम लोग, एक्स गुना एक्स। 4x का क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 गुना एक्स, ठीक है। तो इस दोनों में से हमारा एक्स जो है वह कॉमन आ रहा है, तो हम एक्स को कॉमन लेते हैं, बच गया क्या क्या मेरा, एक्स प्लस 4 बच गया, ठीक है। अब चलिए अगला को देखते हैं, इसमें देखिए हम लोग
फाइव एक्स है, ठीक है, फाइव गुना एक्स। उसके बाद है बीस है मेरा, तो बीस का क्या हो जाएगा, चार गुना पाँच हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसमें से लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाता है मेरा पाँच दोनों में, तो पाँच को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस चार यहाँ पर बच जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, तो इसको इसके साथ लिख देंगे, एक्स प्लस फाइव इस अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, तो एक्स प्लस फोर। आप अंदर वाला को देख लीजिएगा, अंदर वाला दोनों सेम रहना चाहिए। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।